नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं DS4। इस समय चुनावी माहौल के बीच एक गर्मा गर्म एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, जो है महाराष्ट्र चुनावों में हुए बाईपोल इलेक्शंस का। तो उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनके नाम है सागर शाह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे DS4 चैनल पर। तो क्या लगता है कि एग्जिट पोल कितना सही है और किस तरीके से आगे जो है महाराष्ट्र में सरकार बनने वाली है तो किसकी बनने वाली है? क्या एग्जिट पोल बिल्कुल सही आपकी आपकी नजरों में? देखिए, जब सरकार खुद ही नकली हो, सरकार खुद ही चोरी की हो, सरकार पर 80 सीटों के लोकसभा में गफले करने के आरोप हो, जिसका न चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, ना ही देश के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है, ना ही देश की सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जांच करवाई है। 5 करोड़ वोट्स के गफले ADR और वोट फॉर डेमोक्रेसी जैसी संस्थाओं ने डिक्लेयर किए हैं, उस पर आज तक इस सरकार ने एक आवाज नहीं की है। तो ये नकली सरकार, चोरी की सरकार, विधायकों को तोड़ने वाली सरकार, सांसदों को तोड़ने वाले की सरकार, पूरी सरकार गिराने वाली, जिसमें अजीत पवार ने खुद कहा कि 2019 में महाराष्ट्र की सरकार जब गिराई गई थी, तब इस सरकार में अमित शाह के साथ उनका चहिता अदानी अंबानी में से एक अंबानी भी बैठा था। तो देश के उद्योगपति के लिए चलने वाली ये सरकार मोदी के परिवार के लिए नहीं चल रही है, 140 करोड़ के लिए नहीं चल रही है, सिर्फ 2 गुजराती उद्योगपतियों के लिए चलने वाली 2 ऐसे गुजराती नेताओं की सरकार का जो ताजा ताजा पोल आपने कहा या आया है, उसके मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा कि एग्जिट पोल कभी भी एग्जिट नहीं होते हैं। जब इस चोरी वाली सरकार की 80% मीडिया उनकी खुद की खरीदी हुई है, तो आप मुझे बताइए कि ये ताजा ताजा एग्जिट पोल सच कैसे हो सकते हैं, जब 80% मीडिया इनकी खरीदी हुई है। देखिए, मैं आपको चंद उदाहरण देता हूं इस सवाल पूरा हो जाए। नहीं, मेरी बात सुनिए, इस सवाल का जवाब मैं 2 मिनट में पूरा कर देता हूं। एग्जिट पोल के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल कभी एग्जिट नहीं होते हैं। मैं 3 लोकसभाओं के उदाहरण दूंगा आपको, 3 लोकसभा। अब लोकसभा से तो बड़ा कोई राज्य का चुनाव तो होता नहीं है, विधानसभा का चुनाव तो होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे ही अभिमान में, गुमान में 2004 में 6 महीने पहले एक नारा दिया था शाइनिंग इंडिया का, और कांग्रेस की सोनिया गांधी को, उन पर हंसते थे ये लोग कि जब राजीव गांधी नहीं राज कर पाए तो ये कांग्रेस की विधवा क्या करेगी, और उन्होंने चुनाव किया था और वो जो एग्जिट पोल था वो भारतीय जनता पार्टी को जीता रहा था, लेकिन जीत गई सोनिया गांधी। 2009 में भी यही रिपीट हुआ था। फिर इन्हीं लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, इनके बड़े बड़े नेता एलके आडवाणी से लेके सुब्रमण्यम तक सुप्रीम कोर्ट में गए थे और इन्होंने किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट द रिस्क। उसके बाद लोकसभा 2024 का चुनाव तो अभी 4 महीने पहले गया है, उसका एग्जिट पोल भी क्या कहा था कि 400 मिल रहे इनको। ये 400 नहीं थे, वो सीट्स नहीं थी, वो अली बाबा के 40 चोर नहीं, लेकिन अली बाबा के 400 चोर थे। लेकिन वो 400 भी 240 आए, और 240 में भी 80 सीट्स गलत है, उस पर आरोप है, उस पर रिपोर्ट्स है, मतलब ओरिजिनल इनकी देखिए तो 160 सीट है। तो ऐसी चोरी वाली सरकार, अनरिलायबल सरकार, गफलों वाली सरकार, जिनके वोट से लेकर सीट्स पर पूरा देश डाउट्स करता है, इनके एग्जिट पोल के बारे में क्या बात करें हम, कुछ और आगे बात करेंगे तो मजा आएगा। मतलब आप सिरे से नकार रहे हैं एग्जिट पोल को जो अभी महाराष्ट्र का निकल कर आया, आपके बातों से मुझे यही समझ में आया अभी तक। बिल्कुल, हरियाणा में पूरा का पूरा चुनाव का जो माहौल था वो कांग्रेस की ओर था, ग्राउंड से लेकर धरातल से लेकर पूरे देश में, और हरियाणा में ये कहा गया था कि ये एक तरफा चुनाव है, जनता लड़ रही है और कांग्रेस को जिता रही है। लेकिन फिर भी उनके मुख्यमंत्री ने लास्ट टाइम पर यह कहा कि हमारे पास चुनाव जीतने की व्यवस्था है, जैसे मेयर का चुनाव इन लोगों ने चंडीगढ़ में पब्लिक के सामने बैलेट पेपर से हुए थे, फिर भी गफला किया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच नहीं करवाई। तो जब इस देश में ओपनली चुनावों में पिछले 10 साल से यह सरकार धांधली करती है, गफले करती है, वोट्स को चीटिंग करके लेती है, जीतती है, मेयर का चुनाव चंडीगढ़ का उदाहरण है, और उस पर जब
पिछले 10 साल की सुप्रीम कोर्ट ने एक भी जांच नहीं करवाई, तफ्तीश नहीं करवाई और पूरा का पूरा हरियाणा का चुनाव बदल दिया। और उसी तर्ज पर आज जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं मंच पर जाकर प्रचार में कि हमारे पास हरियाणा की तरह ये चुनाव जीतने की भी व्यवस्था है, हम उसी तरह से जीतेंगे, तो ये एग्जिट पोल, अब मुझे बताइए कि ये ड्रामा है, पूरी की पूरी मीडिया खरीदी हुई है, 80% मीडिया उनकी है, मीडिया ना बलात्कार पे बात करती है, ना अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करती है, ना हंगर इंडेक्स पे बात करती है, ना सरकारी जॉब्स पे बात करती है, ना पुरानी पेंशन स्कीम पे बात करती है, ना वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करती है, ना जातिगत जनगणना पर बात करती है। आप ये बताइए फिर, अगर ये एग्जिट पोल अगर आप नहीं मान रहे तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के बाई पोल में कौन जीतने वाला है, रिजल्ट में क्या आने वाला है? देखिए, रिजल्ट का मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन पब्लिक का जो मूड है, वो जो चुनाव का जो परसेंटेज आया है, चुनाव का जो जब शाम को चुनाव के परसेंटेज आए तो झारखंड में तो फिर भी ठीक ठाक चुनाव हुआ है, वहां पर लोग बाहर निकले हैं, चुनाव में लोगों ने वोटिंग किया है, तो आप मुझे बताइए, तो महाराष्ट्र तो पूरे भारत की इकोनॉमी राजधानी माना जाता है इसको, तो महाराष्ट्र यानी सबसे ज्यादा पैसा देने वाला, और इकोनॉमिकल अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देने वाला भारत को, ये सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लोग अगर नरेंद्र मोदी की लहर है, अगर नरेंद्र मोदी को जिताना चाहते हैं, अगर इनकी जो युति है एनडीए है उसको अगर वोट्स मिल रहे हैं, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, तो मुझे बताइए कि चुनाव का परसेंटेज इतना कम क्यों हुआ और इन लोगों को ये धांधली क्यों करनी पड़ती है पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में। चाहे आप यवतमाल जाइए, चाहे आप नागपुर में जाइए, चाहे आप शिरडी में जाइए, मुंबई के अंदर देख लीजिए, हर जगह पर धांधली हुई है। मैं आपको दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं। एक बूथ पर जब बाहर जो टेबल होता है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर बच्चों को बिठाया गया है, उसका वीडियो वायरल हुआ है। एक लेडी पूछती है कि तुम तो नाबालिग बच्चे हो, तुम कैसे यहां पर बैठे हो, तो वो बच्चे फंस जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। फिर एक दूसरी औरत आती है, वो उस औरत के साथ लड़ती है जो सवाल करती है, और उन बच्चों को वहां से उठाकर ले जाती है। तो छोटे छोटे बच्चों को क्रिमिनल बनाया जाता है। शिरडी के अंदर एक चुनाव बूथ पर कॉलेज के छात्रों की लाइन लगी है, पूरी लाइन कॉलेज के छात्रों की लगी है, और वो बच्चे कितनी दूर से वहां पर आए हैं जो वहां के है ही नहीं, ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। एक वीडियो में यह कहा गया है कि अंदर पहुंच जाता है बूथ पर वोट देने के लिए आदमी, एक आदमी अपनी बीवी को लेकर गया और वो वोट देने वाली थी, वो बटन दबाने वाली थी, तो उन्हें कहा गया कि तुम सिर्फ एंट्री करो, बटन हम दबाएंगे। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव को वीडियो बनाकर बोलना पड़ा कि पुलिस खुद इन्हें गफला करने दे रही है, धांधली करने दे रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वीडियो पब्लिक में है, और इतने बड़े नेता बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी इन लोगों को धांधली करने से रोक नहीं रहा। और आपने देखा नहीं, आपने देखा कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता कल होटल में 15 करोड़ के हिसाब की डायरी लेकर बैठे थे। आपको आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि जो बीजेपी है वो जीतने वाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो एक ये कैश कांड जो निकल कर आया है वो कितना प्रभावित कर सकता है? देखिए, जिस तरह से पूरा माहौल दिख रहा है, जिस तरह से पूरा चुनाव हो रहा है, जिस तरह से सबूत के साथ वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिस प्रकार से धांधली हो रही है, और जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, और जिस प्रकार से इनके नेता करोड़ों रुपए की बैग्स लेकर पब्लिक में पकड़े जाते हैं, इससे तो ये लगता है कि पब्लिक का मूड नहीं है इनको जिताने का। लेकिन इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। ये लोग कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, हमने व्यवस्था कर दी है, तो ये चुनाव जीत नहीं रहे हैं, ये चुनाव छीन रहे हैं। मैंने आपको कहा कि ये विधायक छीन लेते हैं। सूरत में गुजरात तो इन दो गुजरातियों का गढ़ था, पहले भी दो बार ये लोग क्लीन स्वीप कर चुके हैं, तो फिर इस बार इनको सूरत की सीट क्यों तोड़नी पड़ी, क्या डर लग गया था? उसके बाद उन्होंने उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में इंदौर में दो सीट तोड़ी, उसी प्रकार से उन्होंने ओडिशा में एक महिला की सीट तोड़ी कांग्रेस की, तो चार चार सीट तो ये लोग उसमें भी तोड़ चुके हैं लोकसभा में।
तो ये लोग तो कहते हैं कि अगर हम नहीं जीते तो हम छीन लेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, कि अब सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से नहीं चलेगा। यह सबूत के साथ बाहर आ चुका है, इन लोगों ने ओपनली बोल दिया है कि हम पैसे बांटेंगे करोड़ों रुपए, हम धांधली करेंगे, हम ओपनली वोट के गफले करेंगे, हम रिपोर्ट्स के जवाब नहीं देंगे, चुनाव आयोग हमें सपोर्ट करेगा। तो अगर आप लोग अगर इनके खिलाफ रोड पर बाहर नहीं आए तो ये लोग चुनाव ऐसे ही जीतते रहेंगे। ये एग्जिट पोल एक नाटक है, ये एग्जिट पोल एक ड्रामा है, ये दिखावा है